गुड मॉर्निंग, यहाँ पर एक चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो देखिए, इसको लिखा है अल्फोंसे डाउडेट ने लिखा है, इसका मैंने टेक्स्ट पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर ये देखना है, यहाँ से यानी कि प्रोज चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र के लिटरेचर सेक्शन में, जो कि तीसरा सेक्शन होता है, 40 मार्क्स का होता है, उसमें प्रोज सब सेक्शन से यानी कि प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो उसमें प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन, एक तो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनमें से दो प्रश्न का उत्तर आपको 40 शब्दों में लिखना होता है, है ना। मतलब दो तीन क्वेश्चन दिए रहते हैं जिनमें से आपको केवल दो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना रहता है, 40 शब्दों में लिखना रहता है, क्लियर है। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलता है, यानी कि दोनों क्वेश्चन के लिए आपको 8 मार्क्स मिलता है, क्लियर है। और एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है, एक ही प्रश्न का उत्तर आपको करना होता है, लेकिन 80 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में लिखना होता है, और कुल मिलाकर आपको उस एक क्वेश्चन के लिए 7 अंक मिलते हैं, क्लियर है। इतना समझ में आया ना? अब क्या होता है देखो, इसमें यहाँ पर 8, 7, 15 यानी कि 15 मार्क्स का प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब वो कुछ पता नहीं है कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, कौन से चैप्टर से कम आ जाए। देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। ये कह रहे हैं आंसर दीजिए, लेकिन 40 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। वहाँ पर ये भी दिया रहेगा कि एनी टू क्वेश्चन यू हैव टू डू, मतलब कोई दो क्वेश्चन आपको, दो ही क्वेश्चंस करना है। लेकिन अभी यहाँ पर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, क्लियर है। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये 2022 और 23 में आया है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। अब जैसे देखो, यहाँ तो हिंदी दिया गया है कि एम एमएल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, लेकिन एग्जाम में हिंदी नहीं दी रहती है, आपको पहले क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझना होगा। अगर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, तभी आप आंसर सही सही करने वाले हो, नहीं तो आपका हो सकता है गलत हो जाए। चलिए, इसका आंसर क्या दिया, ही कॉल्ड फ्रेंच, इन्होंने एम एमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज को क्या बताया, क्या कहा था, द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है। ही सेड, और उन्होंने ये भी कहा था, डैट इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, कि ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। तो एम हैमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, एक तो ये कहा कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और दूसरा कहा एंड इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन एक ही ये क्वेश्चन आपका आया था। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में आया था 2022 और 2023 में, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एम हैमेल ने लैंग्वेज के बारे में और लैंग्वेज के महत्व यानी कि इम्पॉर्टेंस के बारे में क्या कहा, ठीक है। एम हैमेल ने लैंग्वेज और उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में क्या कहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई क्या कहा था, एम हैमेल टोल्ड देम, एम हैमेल ने उन लोगों को बताया था, डेट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच जो है, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और ये सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। ही आस्क्ड देम, और उन्होंने यानी कि एम एमएल ने कहा भी था उन लोगों से, टू गार्ड इट अमंग देम, कि अभी इसे आप लोग हमारे बीच में इसको सुरक्षित बनाए रखना है,
एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी हमें अपनी लोकल लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं भूलनी है। ही गेव अ रीजन आल्सो व्हेन पीपल वर स्लेप्ट, उन्होंने एक रीजन भी बताया कि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और गुलाम होने के बावजूद भी वो अपनी लैंग्वेज से लैंग्वेज के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं। दे हैड द की टू देयर क्रिजन देयर प्रिजन, और इनकी लैंग्वेज ही होती है कि इनको प्रिजन में एक तरह से साथी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हुम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। देखिए, पढ़ाई में जो बच्चे ध्यान नहीं देते थे उसके लिए एम हेमल ने किनको जो है दोषी ठहराया एंड वाई, और क्यों ठहराया। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया था 2023 में, Whom did M.M.L. blame for not paying proper attention to the study of French? मतलब फ्रेंच की स्टडी को प्रॉपर रूप से सही से नहीं पढ़ रहे थे बच्चे, ध्यान नहीं दे रहे थे, इसके लिए M.M.L. ने किसको दोषी बताया। क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया इस नाम से, और इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया गया, लेकिन दोनों का आंसर सेम होगा। दोनों का कहने का मतलब, पूछने का मतलब एक ही है, और आप इसका आंसर देख सकते हैं। एम हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच बिकॉज दे वॉन्टेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन। यहाँ पर ये MML बता रहे हैं कि MML ने इसके लिए माता पिता को दोषी ठहराया, क्योंकि जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे, फ्रेंच जैसे बच्चे जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, पढ़ाई को नेगलेक्ट कर रहे थे, इन सब के लिए दोषी इनके माता पिता ही है, क्योंकि इनके माता पिता अपने बच्चों से कुछ पैसों के लिए पढ़ाई पर फोकस ना करके काम पर फोकस करवाते थे। MML आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज नेग्लिजेंस इन हिज टीचिंग। MML ने अपने आप को भी दोषी ठहराया टीचिंग में, क्योंकि उन्होंने भी टीचिंग को नेग्लिजेंस किया, और वो जो ही मेड द बॉयज वर्क इन हिज गार्डन, वो लड़कों से अपने गार्डन में काम करवाते थे, विच मेड देम मिस देयर लेसन्स, और जिसे बच्चे अपने लेसन्स को मिस कर देते थे, नहीं पढ़ पाते थे। एंड व्हेनेवर ही विश्ड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी हुए यानी कि MML फिशिंग के लिए जाना चाहते थे, ही गेव देम अ हॉलीडे, तब ये इन बच्चों की छुट्टी कर देते थे, और इसे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता था, बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। तो इस प्रकार से खुद दोषी हैं, और इन्होंने अपने आप को खुद दोषी ठहराया। नेक्स्ट है 2022 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न डैट मेड MML डिक्लेयर डैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू ईच ऑन डैट फेडफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन। ये करें, व्हाट इज़ द रीजन, क्या कारण था डेट मेड MML डिक्लेयर, जिसकी वजह से MML ने डिक्लेयर किया कि लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच, लेसन जिसको पढ़ाने जा रहे हैं ऑन फेडफुल डे, मतलब इस दिन है ना, लेसन जिसको पढ़ाने जा रहे हैं वॉज टू बी द लास्ट लेसन, वो लेसन लास्ट होने वाला है, वो लेसन अंतिम लेसन होगा। क्लियर है? इस चीज़ को जब अनाउंस किया तो इसके पीछे का रीजन क्या था, तो देखिए, ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया, बच्चों को बताया, डेट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, किए उन बच्चों के लिए लास्ट लेसन है, ही वुड गिव देम, जो कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलास्क एंड लोरेन। इसका रीजन है कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है, ये आदेश आया है कि अब अलास्क और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन को ही टीच कराया जाएगा। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन नए मास्टर जी आएंगे। ही एडवाइज्ड देम टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव, और MML ने उन सभी लोगों को, बच्चों को, इस बात का एडवाइस दिया कि आप लोग केयरफुल रहें, सावधान रहें और ध्यानपूर्वक रहें। द स्टूडेंट्स पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस टू मेक देम लर्न फ्रेंच। स्टूडेंट्स
के जो पेरेंट्स थे वो जो हैं फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनेक्सियस नहीं थे, है ना, या बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं बनाते थे। फ्रेंच वॉज देयर की टू फ्रीडम, और फ्रेंच लैंग्वेज जो हैं उनकी फ्रीडम के लिए एक तरह से चाबी थी, है ना भाई। अपनी लोकल लैंग्वेज को या लोकल लैंग्वेज फ्रेंच वासियों के लिए एक तरह से की है। हिज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम, और इस प्रकार से एम हैमेल का स्पीच इन सभी लोगों पर, यानी कि जो पेरेंट्स फ्रेंच लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते थे उन सभी लोगों पर उनका स्पीच बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, ठीक है। फ्रेंच फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर, और इस तरह से प्रभाव डाला कि जो फ्रेंच नाम का छोटा बच्चा था, स्टूडेंट था, उसने अपने टीचर के रूलर यानी कि जो हाथ में लिए जिसे मारते थे और उनके स्ट्रिक्ट स्वभाव को पूरी तरह से भूल गया और पढ़ाई में इस तरह से विलीन हो गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है आपका 2023 में, इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु आर फाइटिंग, मतलब लास्ट लेसन में उस कंट्री का नाम लिखो जो फाइट कर रहे थे, जो युद्ध कर रहे थे, है ना, जो लड़ रहे थे। एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और उस बुलेटिन बोर्ड जो नोटिस बोर्ड है उस नोटिस बोर्ड में क्या कंटेंट लिखा गया था, क्या बात लिखी गई थी, उस बात का भी वर्णन कीजिए। तो आइए इसका आंसर करते हैं। अब देखिए इसका आंसर है, द लास्ट लेसन बाई अल्फांसे डोडेट डिस्क्राइब्स द पर्सियन इन्वेजन ऑफ फ्रांस। लास्ट लेसन अल्फांसे डोडेट ने लिखा है इस लेसन को, इस मतलब चैप्टर को, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। अल्फांसे डोडेट ने एक्चुअली फ्रांस में जो पर्सियन का आक्रमण हो गया था और इसकी वजह से पर्सियन ने फ्रांस को गुलाम बना लिया, इस चीज़ का इन्होंने डिस्क्राइब किया है। पर्सियन फोर्सेज कैप्चर्ड फ्रांस, क्या हुआ, पर्सियन फोर्सेज ने फ्रांस को बंदी बना लिया है, एंड लोरेन एंड अलास्क वर एनेक्स्ड, और लोरेन और अलास्क उसकी चपेट में आ गए हैं डायरेक्टली। हेंस इस प्रकार से द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज, इस प्रकार से बुलेटिन बोर्ड इस प्रकार की न्यूज को, मतलब उस पर लिखा हुआ था, है ना, डेट एन ऑर्डर की एक आदेश आया है, हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक आदेश आया बुलेटिन बोर्ड पर, ये भी लिखा था कि बर्लिन से एक आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलास्क एंड लोरेन, कि अब अलास्क और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी डिसकंटिन्यूड, और जो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा था अब उसको रोक दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2023 का ये क्वेश्चन है, ये 2023 में आया है, इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हैमेल डज द मदर टंग सेवियर इवन द इनस्लेव्ड पीपल। ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार से, है ना, एम हैमेल के अनुसार किस प्रकार से जो मदर टंग होती है ना, जो मदर टंग होती है वो सर्व करती है यानी सेवा करती है, इवन यहाँ तक कि गुलाम हुए लोगों की भी हेल्प करती है, गुलाम हुए लोगों की भी सेवा करती है, किस प्रकार से करती है। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू एम हैमेल के अनुसार, इवन इफ पीपल आर इन्स्लेव्ड, अगर लोग गुलामी के बंधन में जकड़े हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी दियर मदर टंग कैन एक्ट लाइक अ की टू अ प्रिजन, उनकी जो मदर टंग वो भी एक प्रिजन के लिए एक की तरह काम कर सकती है। कैसे, जैसे देखो, अगर उनकी मदर टंग ही रोक दी जाएगी तब तो भाई एक तरह से वो प्रिजन में बंध गए ना, लेकिन अगर वो चाहें गुलाम रहते हुए भी वो अपनी मदर टंग को सुरक्षित रख सकते हैं। ही बिलीव्ड वे यानी कि एम हैमेल इस बात में विश्वास करते हैं डेट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। एंड ही विश्ड डेट हिज कंट्रीमैन हैड गिवन इट मोर इम्पॉर्टेंस, और एम हैमेल यही इच्छा जाहिर करना चाहते हैं, यही इच्छा जाहिर किए कि उनके देश के वासी वो अपनी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं अब से जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे,
इवन अगर वो इंस्लेप्ड भी हैं तब भी वो अपनी मदर टंग को इम्पोर्टेंस देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तब क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए, द मोमेंट, उस समय द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तब द पर्सियन आर्मी केम टू टेक ओवर, द पर्सियन आर्मी आई है ना, एंड एम हेमल स्टूड अप, और एम हेमल खड़े हो गए, वांटेड टू टेल समथिंग, वो कुछ बताना चाहते थे, बट दिस वॉइस वाज चॉक्ड, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो कुछ बोल नहीं पाए, ही गेदर्ड हिज स्ट्रेंथ एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज द कुड वॉइस ला फ्रांस। और इस प्रकार से फ्रेंच लोग, सॉरी एम हेमल और बाकी सभी लोग एक साथ में इकट्ठा हुए है ना, और पूरी ताकत के साथ उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा है ना, ब्लैक बोर्ड पर लिखा, और ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा, क्या लिखा, वाइब ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। तो ध्यान दीजिएगा, वाइब ला फ्रांस मीन्स हो जाएगा फ्रांस जिंदाबाद, एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और इस प्रकार से स्कूल डिसमिस हो जाता है, यानी कि फाइनली स्कूल कब डिसमिस होता है, तो फाइनली एम एम एल ने जब समझाया था सारे बच्चों को, तो फाइनली बोर्ड पर जितना बड़ा लिख सकते थे वाइब ला फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद, ये लिखते हुए स्कूल को डिसमिस किया था। ओके, देखिए अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आया है, ये 7 नंबर का आया था, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, है ना, लास्ट लेसन का जब अनाउंसमेंट हुआ कि आज लास्ट लेसन है ये, है ना, तो इसने उस लिटिल फ्रेंच को किस प्रकार प्रभावित किया, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच वेरी मच, देखिए उस लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट ने उस फ्रेंच को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, दिस अनाउंसमेंट वाज लाइक अ थंडर क्लैप फॉर हिम, और इस प्रकार का अनाउंसमेंट उस बच्चे के लिए एक थंडर क्लैप के समान था, ही वाज वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख हुआ, व्हेन एम हेमल अनाउंस्ड, जब एम एम एल ने इस बात का अनाउंस किया डेट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से ये आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अलास्क एंड लोरेन, कि अब अलास्क और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच वाज वेरी सॉरी, जो भी फ्रेंच पीपल थे वो सब बहुत दुखी थे है ना, बिकॉज ही विल नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर, कि अब उनको उनकी मातृभाषा फ्रेंच लैंग्वेज और ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, दिस वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज के दिन ये फ्रेंच वासियों के लिए यहाँ पर जो भी प्रेजेंट हैं उनके लिए फ्रेंच में, फ्रेंच लैंग्वेज में ये लास्ट लेसन होने वाला है, ही वॉज रिग्रेटिंग नॉट टू लर्न हिज लेसन केयरफुली, और इस प्रकार से वो छोटा बच्चा जो है अपने लेसन्स को ध्यान से नहीं पढ़ रहा था पहले से, और इस ये सोचकर या अपने लेसन्स ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से वो इस बात पर पछतावा भी रिग्रेट भी कर रहा है। नाउ हिज बुक्स सीम्ड हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अब उनकी जो किताबें हैं वो उनकी पुराने दोस्तों की तरह लग रही हैं, एंड ही डिड नॉट वांट टू गिव अप देम अप, और वह जो है इन किताबों को नहीं त्यागना चाहता है, He did not want to give up M. Hamel too, और वो M. Hamel से भी दूर नहीं होना चाहता, M. Hamel को भी नहीं त्यागना चाहता, लेकिन M. Hamel को जाना पड़ेगा है ना, He forgot all about M. Hamel's cranky behavior and ruler, और यहाँ तक कि वो छोटा बच्चा little फ्रेंच अपने टीचर M. Hamel के जो भी cranky behavior था, जो भी strict behavior था, और उनका जो ruler था, उन सब के बारे में भूल गया, और जो है वो सोच रहा है वो किसी से ना तो किताबों से दूर होना चाहता है ना ही एम एम एल से दूर होना चाहता है। क्लियर है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2022 में आया है और ये 7 नंबर का आया है, 80 शब्द में लिखना रहता है। देखिए, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुँचा तब क्लास के अंदर का सीन क्या था या कैसा दृश्य था। तो यहाँ पर देखिए, When French reached the school, जब French school पहुँचा, the scene inside the class was unusually very quiet, तब जो है
जो क्लास के अंदर का सीन था वो एक तरह से अनयूजुअल रूप से, मतलब पहले की तरह बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं, बल्कि शोर शराबा नहीं रहता था, बल्कि वो क्लास पूरी तरह से शांत था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन होता, क्या यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो एक काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इतना ज़्यादा शोर शराबा होता था कि उसको गली से सुना जा सकता था। ही सा हिज क्लासमेट्स, लेकिन आज के दिन जब उसने देखा क्लास पूरी तरह से शांत है, और उसने देखा अपने जब क्लासमेट्स अपने क्लास के साथियों को देखा, तब हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेसेस एंड हिज टीचर, तब उन्होंने देखा कि वो पहले से ही अपने अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, एंड हिज टीचर एम एम एल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उन्होंने देखा अपने टीचर एम एम एल को देखा, तो उन्होंने पाया कि एम एम एल जो हैं ये आगे पीछे चल रहे हैं, मतलब थोड़ा टहल रहे हैं कमरे में, और टहलते हुए अपने भुजाओं में ये जो है आयरन रूलर को दबाकर रखे हैं। फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर, फ्रेंच दरवाज़ा खोलने ही वाला था, एंड गो टू इन बिफोर एवरी डे, और सबके सामने जाने ही वाला था, है ना, सबके सामने जाने ही वाला था, ही वॉज वेरी ब्लश्ड, लेकिन इस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा एकदम शर्माया हुआ था, एक तरह से बहुत ज़्यादा शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था, है ना, बहुत ज़्यादा उसे शर्म महसूस हो रहा था, एंड फ्राइटेंड, और वो डरा हुआ भी था। बट व्हेन एम एम एल सा हिम, लेकिन जैसे ही एम एम एल ने उसको देखा, ही सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच अपने प्लेस पर जल्दी से जाओ, है ना। व्हेन ही सेट डाउन, जब एक मिनट, अपने प्लेस पर जल्दी जाओ, वी आर बिगनिंग विदाउट यू, हम शुरू ही करने वाले थे, है ना, ये एम एम एल कह रहे हैं कि हम शुरू ही करने वाले थे तुम्हारे बिना ही, अच्छा हुआ तुम टाइम से आ गए। ओके, फ्रेंच जम्प्ड ओवर द बेंच, फ्रेंच जल्दी से बेंच के ऊपर से कूद गया, एंड सेट डाउन एट हिज डेस्क, और जाकर अपने डेस्क पर बैठ गया। क्लियर, व्हेन ही सेट डाउन, जब वो बैठा, ही नोटिस, तब उसने नोटिस किया, डैट हिज टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, कि उनके टीचर जो अपने फेवरेट कपड़ा, अपना ब्यूटीफुल क्लॉथ्स को पहना है, बिसाइड्स इट, है ना, बिसाइड्स इट, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी देखा, द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलेम, कि पूरा का पूरा स्कूल बड़ा अजीब और सोलेम लग रहा है, बिल्कुल शांतमय लग रहा है। वन थिंग सरप्राइज्ड फ्रेंच वेरी मच, एक चीज़ तो फ्रेंच को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया, ही सा ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास, जब उन्होंने क्लास के पीछे वाली बेंच को देखा तो वो बहुत आश्चर्य हैरान हो गया, क्यों, क्योंकि पीछे वाली सीट पर देयर वर पीपल ऑफ विलेज हु वर सिटिंग लाइक देमसेल्व्स, है ना, उन्होंने देखा कि पीछे वाली सीट पर गांव के लोग बैठे हुए हैं, ये चीज़ देखकर, मतलब ये लिटिल फ्रेंच बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। क्लियर है।